गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आलोकन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना के दौर में सारी जो रोज़गार की जो संभावना है वो चौपट हो चुकी है, पर एक नई खबर बेरोजगारों के लिए आई है जो कि युवाओं के लिए बहुत एक संजीवनी का काम करेगी। और ये खबर है, SBI बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने करीब 5000 से ज़्यादा जो क्लर्क के जो पद हैं उनकी एक भर्ती निकाली है, और वो भर्ती है वो स्टेट के लेवल पे होगी। और स्टेट के लेवल पे होने के साथ साथ उसमें दो उसके जो वेरियर्स आपके सामने रहेंगे, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी, प्रीलिम्स के बाद में मेन एग्ज़ाम होगी, और मेन एग्ज़ाम में आपको रीजनल लैंग्वेज भी पास करनी पड़ेगी। ये बैंक पहली बार इसको इस तरह से कर रहा है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं हम कि किस बैंक में वैकेंसी निकली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि SBI बैंक में जो है ये वैकेंसी आई है, और SBI बैंक में किस पोस्ट के लिए आई है। तो ये जो पोस्ट है इसको जो उन्होंने जो जूनियर एसोसिएट्स का नाम दिया है, जो क्लर्क क्लेरिकल जॉब में उसमें काउंट होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसके लिए किन किन पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी या किन किन सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो इसमें जो पेपर होगा वो तीन तरह के फॉर्मेट उसमें आएंगे, एक ही पेपर में तीन तरह के फॉर्मेट आएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो प्रीलिम्स में होगा, और मेंस में जब बाद में जाएंगे आप, तो प्रीलिम्स पास करने के बाद जब मेन में जाएंगे तो आपको रीजनल लैंग्वेज की जो भी आप चुनेंगे, जिस स्टेट से आप चुनेंगे, उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज को आपको पास करना होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, ये आपने कल और परसों के अखबारों में देखा होगा। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं है तो आप आलोकन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आकर के और सीधे अपना फॉर्म भर सकते हैं, और उसकी पूरा का पूरा जो उसका जो नोटिफिकेशन आया है, उसका जो विज्ञापन आया है, वो आलोकन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे या आलोकन अकेडमी के ऐप पे आप देख सकते हैं। आप सीधे उसमें जा करके लिंक पे जा करके फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नौकरी के बारे में कि ये नौकरी किसके लिए है, क्यों है, क्या इसका फॉर्मेट होगा। तो ये सबसे पहले तो ये जो है ये बैंक में नौकरी है, बैंक में जो है वो SBI बैंक है, और इसकी तैयारी कर रहे हैं जो के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। SBI ने जो है ये जो भर्ती जो जारी की है वो क्लेरिकल कैटेगरी में की है, और इसमें इसको इन्होंने जो नाम दिया है वो जूनियर एसोसिएट्स का नाम दिया है। इस तरह से जो SBI की क्लेरिकल भर्ती 2021 का जो आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल से आरंभ हो चुकी है, और इसका जो विज्ञापन है वो कई अखबारों में और उसमें आ चुका है, और कई सारी जो वेबसाइट्स हैं उसमें आलोकन अकेडमी की वेबसाइट भी है, जो कि आपको सारी की सारी सूचना वो एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर मुहैया करवाती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता के बारे में हम बात करें तो इसकी जो योग्यता जो बैंक ने रखी है वो ग्रेजुएशन रखी है, और ग्रेजुएशन के बाद जो है आप उसमें जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। पर इसमें बैंक ने दो चीज़ें और अब की बार नहीं जोड़ी है। इसमें जो पहली जो चीज़ है वो है, आप अगर आपके पास ड्यूल डिग्री है तो ड्यूल डिग्री में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो बैंक जो जॉब निकालते थे उसमें ड्यूल डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो अब की बार आपको घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूल डिग्री के साथ भी आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और किसी ग्रेजुएशन के साथ दूसरी कोई डिग्री की है तो आपको आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और ये जो अगर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको और भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो SBI की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो उसकी वेबसाइट है, आधिकारिक जो वेबसाइट है, SBI.co.in पर जाकर के आप जूनियर एसोसिएट्स के नाम से जो पद विज्ञापित किए हैं, पदों का जो विज्ञापन आया है, एडवर्टीजमेंट आया है, उसको आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार उसमें जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे आप देखेंगे तो इसमें इसकी जो पदों के बारे में हम बात करेंगे कि कितने पद हैं, और ये पद जो हैं लगभग 5454 पद हैं जो कि रिक्रूटमेंट में निकले हैं, विज्ञापन में आए हैं। और इन पदों का जैसा मैंने आपको नाम बताया था कि इनका नाम जो है ना बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स के नाम से दिया है, ये पहले क्लर्क के नाम से आता था, अब इसको जो बैंक है उसमें उसने उसको
जूनियर एसोसिएट्स में उसको नया एक नाम के साथ लेकर के आया है। इसकी जो अंतिम तिथि है उस पर अगर हम बात करें तो इसमें फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है जैसा कि हमने दिखाया है आपको, तो ये 17 मई 2021 है। 17 मई 2021 को शाम को 5 बजे तक आप ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में इसके फॉर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं SBI की भर्ती की पूरी जानकारी के लिए दिए गए नोटिफिकेशन के लिंक आप जाकर के आलोकन अकेडमी की जो वेबसाइट है alokanacademy.com पे जाकर के इस वाले लिंक हमने क्रिएट किया है उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको जो फॉर्म भरने की बात आती है तो सबसे पहले चूंकि आयु का सबसे बड़ा उम्र का जो है सबसे ज़्यादा लोगों को, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो जब वैकेंसी नहीं निकलती है तो कई सारे ओवरेज हो जाते हैं, इसलिए इसकी जो एज है इसको जो है 1 अप्रैल 2021 को मान करके 28 साल तक के जो लोग उम्मीदवार है वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिन कैटेगरीज को जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसमें ST SC OBC महिलाएं और जो सरकारी जो कर्मचारी है उनको इसमें आयु सीमा में छूट दी गई है। तो आप इसमें ये जाकर के देख सकते हैं 28 साल हो या फिर आपका जो है ST SC OBC को इसमें 5 साल और 3 साल की, ST ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की, बाकी सरकारी जो कर्मचारी उनको भी उसमें उसके बाद छूट का प्रावधान किया गया है। आप अगर इसमें देखेंगे तो इसकी जो चयन की जो प्रक्रिया, जैसा कि हम आपको आरंभ में बता रहे थे कि इसकी जो चयन की जो प्रक्रिया है, ये चयन की जो प्रक्रिया SBI इसमें जो है 2 परीक्षाएं आपके लिए लेगा। पहली में जिसको उन्होंने प्रीलिम्स बोला है, प्री एग्जाम बोला है, जिसमें आप सब लोगों को फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के साथ साथ उसमें जो एग्जाम होगी उस प्रीलिम्स एग्जाम में जो पास करेगा, जो पास हो जाएगा प्रीलिम्स में वो जाकर के फिर मुख्य परीक्षा में बैठेगा और उसमें जो है आपको जो है अपना एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपने जिस स्टेट से फॉर्म भरा है उस स्टेट की लैंग्वेज जो है, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो उसकी जो ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज है, तो उसमें जाकर के फॉर्म भर उसकी परीक्षा भी आपको अलग से पास करनी पड़ेगी। और ये जो ऑप्टेड जो आपकी जो पोजीशन होगी वो स्थानीय भाषा के टेस्ट को शामिल करना होगा जो 100 अंकों का होगा और प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जैसे प्रीलिम्स की ऑब्जेक्टिव होगी वैसे उसकी भी एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। परीक्षा का समय 1 घंटे का होगा और इसमें 3 तरह के जो है क्वेश्चंस आएंगे। इसमें पहला जो है आपका जो है भाषा से संबंधित है, इसमें अंग्रेजी भाषा का होगा। दूसरा जो है इसमें न्यूमेरिकल्स का है जिसको अब आप मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। और तीसरी इसमें जो है वो आपके लिए रीजनिंग की है। इन तीनों पेपर को मिला करके आप जो है अगर मेरिट में आते हैं उसमें 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 1 के 40 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करके आपको अगर मेरिट में आप स्थान पाते हैं तो उसके बाद आपकी मेन एग्जाम होगी, मुख्य परीक्षा होगी। और मुख्य परीक्षा के आधार पर आपको जो रीजनल लैंग्वेज है उसका भी एक पेपर पास करना पड़ेगा। उन तीनों में आप पास हो जाएंगे तो फिर आपको उसके लिए ज्वाइनिंग देंगे। जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, तो उसमें ये पूछा जाता है कि उसकी जो है फीस कितनी होगी, उस एप्लीकेशन को भरने के लिए फीस कितनी होगी। तो इसमें जो है वो सामान्य और OBC के लिए जो है वो 750 रुपये रखा गया है, इसमें EWS के लिए भी 750 रखा गया है, और SC ST और PWD और एक्स सर्विस और इसके जो दूसरी जो कैटेगरीज है उसमें उम्मीदवारों को शुल्क में जो है छूट दी गई है, उनके लिए छूट में उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो इसमें जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन की जो हम बात कर रहे थे, शैक्षणिक योग्यता की जो हम बात कर रहे थे, शैक्षणिक योग्यता के लिए इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए आप अगर देखेंगे तो इसकी जो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों के पास 1 जनवरी 2021 से पहले
तक का इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री जो कोर्स है जो मैं आपके बता रहा था, बैंक ने पहली बार जो है वो ड्यूल डिग्री को भी रिकॉग्नाइज किया है और उसको उन्होंने IDD बोला है, इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कोर्सेज। उसमें आप अगर आपका सर्टिफिकेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने ग्रेजुएशन में जो रनिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल फाइनल ईयर में बैठ रहे हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपका फाइनल रिजल्ट एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा देने के बाद जब आपका जो फाइनल जब सिलेक्शन होगा तो तब जा करके आप फाइनल की मार्कशीट वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो इसमें SBI की जो इसकी जो पूरी की पूरी जो भर्ती जो प्रक्रिया है उसको अगर हम लास्ट में एक बार पुनः समराइज करें, पुनः उसकी एक संक्षिप्त रूप से अगर उसके बारे में जानकारी जुटाएं, तो ये है कि इसमें एप्लीकेशन की जो फॉर्म है, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27 अप्रैल से चालू हो गई है। एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो 27 अप्रैल से फॉर्म इन्होंने मांग लिए हैं। आपको ऑनलाइन भरने हैं फॉर्म। आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 17 मई रखी गई है और प्री एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव जो डेट दी गई है, जो संभावित जो डेट दी गई है परीक्षा की, वो 26 मई दी गई है। मतलब आपकी 17 मई के बाद 10 दिन के बाद आपकी जो है प्री की एग्ज़ाम बैंक करवाने की बात कर रहा है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको जून में उसका रिजल्ट आ जाएगा और मुख्य परीक्षा वो है 31 जुलाई 2021 को होगी। तो ये आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से अपना स्कोर करते हैं, तो आप ये मानिए अप्रैल से लेकर के जुलाई एंड तक आप जा करके नौकरी पा सकते हैं। ऐसे आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि कोरोना के बीच में आप अपनी तैयारियों को जारी रखिए। तैयारी करने के साथ साथ आप अपनी एग्ज़ाम्स का फॉर्म भी भरिए। फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद परीक्षा पास करने के बाद आप जुलाई में अपनी नौकरी पा सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको आलोकन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो नई जो सर्विसेज के विज्ञापन जो आएंगे उसका बारी बारी से समय समय पर उसके आपके सामने लेकर के आएंगे। कल एक दूसरी परीक्षा में कुछ और पोस्ट आई है दूसरे डिपार्टमेंट्स में, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।